व्हाट इज अप एवरीवन, मैं नेस पापनी जात हवर, आपका स्वागत है और एक रोमांचक वीडियो में। और आज के वीडियो में बात करेंगे Vivo V20 Pro के सक्सेसर यानी कि Vivo V21 Pro स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन का जो भी स्पेसिफिकेशन है वो बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर अलग गलत बताया गया है, पर मैं आज इस वीडियो में 90% एक्यूरेट स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो देखो पूरा, उसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करो, और पूरे टेक इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना चाहते हो तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करो। तो स्टार्ट करते डिजाइन से, तो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का डिजाइन होगा। रियर साइड पे ग्लास बैक मिलेगा, उसके साथ साथ क्वाड कैमरा सेटअप होगा और नीचे वीवो की ब्रांडिंग होगी। अगर बात करते डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले टाइप के बारे में, तो यहाँ पे हमको 6.7 इंच का एक एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलेगा जो कि 120Hz या फिर 144Hz वाला हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल होगा। यानी कि जब आप इस फोन में पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर 4G जैसे हाई ग्राफिक्स गेम्स को रन करोगे तो आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर बात करते रैम है इसके बारे में, तो ये स्मार्टफोन हमको 3 RAM रेंज में देखने के लिए मिल सकता है। फर्स्ट वेरियंट होगा 8GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज, सेकेंड वेरियंट होगा 8GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज, और हायर वेरियंट होगा जहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा 10GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज, और इस स्टोरेज को आप एक्सपांड भी कर पाओगे मेमोरी कार्ड के थ्रू 512GB तक। अगर बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में यानी कि प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमको क्वालकॉम की तरफ से प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा जो कि होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865, जिसका अंतत स्कोर आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। एक अच्छा तरह गेमिंग प्रोसेसर है, 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है, उसके साथ साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की 8 सीरीज में से लेटेस्ट चिपसेट है, तो यहाँ पे हमको कोई भी लैग या फिर हीटिंग के इश्यू देखने के लिए नहीं मिलते। आप इस फोन में कौन से भी हाई ग्राफिक्स गेम्स को रन कर पाओगे, आपको कोई भी तकलीफ आने वाली है नहीं। अब बात की जाए इस फोन के रियर साइड के कैमरा सेटअप के बारे में, तो रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा यानी कि 4 कैमराज होंगे, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का जो कि गिम्बल में रहने वाला है। जब भी आप इस फोन से वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपको एक स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। सेकेंडरी सेंसर की बात करते हैं, तो सेकेंडरी सेंसर होगा 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, थर्ड सेंसर होगा 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फोर्थ सेंसर होगा 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। अगर बात कीजिए सेल्फी कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे हमको सेल्फी के लिए एक पंचुअल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा जो कि इस फोन के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होगा, जिसका सेंसर होगा 50 मेगापिक्सल का। हाँ जी हाँ, 50 मेगापिक्सल का सेंसर होगा जिसको आप यूज़ करके 1080p रिजोल्यूशन उसके साथ साथ 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर आप कोई यूट्यूबर हो व्लॉगर हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक गिम्बल देखने के लिए मिलता है। जब भी आप व्लॉगिंग करोगे तो आपका वीडियो बड़ा स्टेबल आएगा। अगर आप अलग फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो उतनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलती, आपका वीडियो शेक होता है। तो इस फोन से आप आराम से हाई ग्राफिक्स वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अब बात है इस फोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगी 4500 mAh की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बैटरी नहीं दी गई है, क्योंकि ज़्यादा एमएच की बैटरी देते हैं तो फ़ोन बड़ा बल्की हो जाएगा, दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, उसके वजह से स्लिम फ़ोन बनाने के लिए यहाँ पे उनको 4500 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है जो कि IP65W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, यानी कि आपका फ़ोन 0 से 100 तक चार्ज होने के लिए 20 से 25 मिनट लगने वाले है। तो आप सोच सकते हो कि चार्जिंग की स्पीड कितनी देने वाली है, और इसका फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। अब बात है इस फोन के पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको टाइप सी पोर्ट मिलेगा 3.5 mm ऑडियो जैक, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक दे भी सकते हैं ना भी दे सकते हैं, अब देखते हैं देते हैं या नहीं। उसके साथ साथ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आप 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा के यूज़ कर पाओगे। फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, जो इसका बेस्ट वेरियंट है जहाँ पे हमको 8GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरियंट हमको 25,000 के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये एक 5G स्मार्टफोन है, उसके साथ साथ स्नैपड्रैगन 865 जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेसर है। उसके साथ साथ अगर हायर वेरियंट की बात करें जहाँ पे हमको 10GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरियंट हमको 30,000 के ऊपर ही देखने के लिए मिल सकता है। अब देखना है कितने प्राइसिंग के साथ लॉन्च करते हैं। अगर आप कोई 25,000 के प्राइसिंग में एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। देखा जाए तो इस फोन में हमको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलती। अब बात की है लॉन्च डेट के बारे में,
तो लीक्स और प्रिडिक्शन से ये स्मार्टफोन हमको अप्रैल के लास्ट क्वार्टर तक इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप वेट करना चाहते हो तो जरूर से वेट कीजिए, क्योंकि बजट सेगमेंट है यार, 25,000 में उतनी अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप कोई बजट सेगमेंट में एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, तो इंस्टाग्राम पे जॉब जरूर मिलेगा, और इंस्टाग्राम पे जब क्वेश्चन पूछने के लिए आओगे तो फॉलो भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।